कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया और महज 2 घंटे में ही अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते मंगलवार को गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया था और उनके करीबी विकास रसूलवाड़ी को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रमुख चुना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पहले तो उनकी तरफ से इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जम्मू से कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने अलग ही कहानी बयां कर दी है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर के लिए जिस प्रचार कमेटी का गठन किया गया है उसमें जमीनी नेताओं को छोड़ दिया गया है, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। इस बारे में वे कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा बनाई गई नई प्रचार कमेटी में जमीनी नेताओं की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया है, इसी वजह से गुलाम नबी आजाद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे भी इस नई कमेटी से संतुष्ट नहीं थे। अब ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। गुलाम नबी आजाद ने अगर पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है मतलब साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे भी गुलाम नबी आजाद के कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी के साथ जो मतभेद चल रहे हैं उसे देखते हुए अगर अश्विनी हांडा का यह दावा सही मान लिया जाए तो ये कांग्रेस के अंदर बगावत के नए सुर बुलंद कर सकता है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग उस G23 समूह का हिस्सा भी हैं जो पार्टी में कई बड़े बदलावों की पैरवी करता है। उन तमाम गतिविधियों के बीच इस इस्तीफे ने गुलाम नबी आजाद और उनके कांग्रेस के साथ रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि केंद्र की ओर से इसी साल गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। कांग्रेस के इस दिग्गज नेता की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। मौका था फरवरी 2021 में गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई का, तब PM मोदी ने गुलाम नबी आजाद से अपनी दोस्ती का जिक्र किया और कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना की कहानी सुनाई। PM मोदी ने कहा, एक मित्र के रूप में मैं गुलाम नबी जी का घटनाओं और अनुभव के आधार पर आदर करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना वो कभी उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व वो संभालेंगे वो जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इधर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कैच तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि आजाद पार्टी के कामकाज से खुश नहीं है, लिहाजा उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे से घाटी में कांग्रेस की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ा दी है। टीम लोकल।